अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 9th कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का यूनिट नंबर 5 की फुल एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे और वन बाय वन आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके तमाम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाए और किसी किस्म के जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन 5.1। चूज द करेक्ट ऑप्शन MCQs है। An individual list item can contain another entire list called dash. अब इसमें options हैं ordered list, unordered list, definition list और nested list. उसने कहा कि एक individual list item जो है उसके अंदर एक proper another entire list भी add हो सकती है, तो उसको कहा जाता है nested list. इसका answer होगा number 3, nested list. Number 2 question, HTML is not a dash language. इसमें आंसर आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज तो वो ऑलरेडी है HTML, और ये भी नहीं हो सकता बोथ 1 और 2, और नन ऑफ अबव भी नहीं, तो इसमें आएगा प्रोग्रामिंग। नंबर 3 है, वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग डैश। इसमें नोटपैड प्लस प्लस में भी हो सकता है, नोटपैड में भी हो सकता है और टेक्स्ट एडिट में भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 4 है, एन एच टी एम एल एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ अ डैश टैग्स। इसका आंसर है स्टार्ट एंड एंड, क्योंकि मोस्टली जो टैग्स है उसका स्टार्ट और एंडिंग टैग होता है। नेक्स्ट है, द डैश एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा। मेटा डेटा जो है वो हमेशा हेड के टैग में लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ये नंबर 2 वाला हेच। नेक्स्ट है, टू सेव द एस टी एम एल पेज यू कैन यूज डैश एज फाइल एक्सटेंशन। हम एच टी एम भी रख सकते हैं और एच टी एम एल भी, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। देयर आर डैश ऑफ हेडिंग्स इन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट, इसका आंसर होगा दिस वन 6। पॉइंट है, डैश टैग इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, तो इसमें जो है वो टेबल वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अ हाइपरलिंक कैन बी अप्लाइड टू डैश। इमेज पे भी हाइपरलिंक अप्लाई हो सकता है और टेक्स्ट के ऊपर भी, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2 दिस वन। नंबर 10 है, इन बॉडी टैग डैश इज यूज टू मेक अ पिक्चर ऑफ बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज, आंसर होगा दिस वन नंबर 2 बैकग्राउंड। 5.2 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो, यानी रो को अगर स्पैन करना है तो उसके लिए यहाँ पे आएगा रो स्पैन मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो। नंबर 2, बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड डैश व्हिच ब्रिंग्स यू टू द नेक्स्ट पेज, यानी वो कौन सा टैग है जो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, दैट इज द हाइपर लिंक टैग। नंबर 3, द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, वेब पेज के फोरग्राउंड कलर के लिए कौन सा जो है वो एट्रीब्यूट यूज होता है, कलर COLOR कलर। नंबर 4, द इन एच टी एम एल इमेजेस आर डिफाइंड विद द डैश टैग, कौन से टैग से जो है इमेज डिफाइन किए जाते हैं, IMG के टैग, इस टैग से, राइट। नंबर 5 है जी, डैश रेफर्स टू द वे टैग्स आर यूज टू डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट्स विद इन द पेज, तो इसमें आएगा HTML रेफरेंस, यानी ये मार्कअप लैंग्वेज है, आप ब्रैकेट में मार्कअप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। नंबर 6, HTML इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट डैश, इसका आंसर है वेब पेज। HTML कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेज बनाने के काम आती है। डैश टैग्स मेक्स द एनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड, इसके लिए बोल्ड के लिए दिस वन, ये टैग जो है वो यूज होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन डैश सेक्शन, कौन सा टैग है जो कि टेक्स्ट हम लिखे तो वो डायरेक्टली हमें पेज के ऊपर नजर नहीं आता, दैट इज द हेड सेक्शन, यहाँ पे आएगा हेड। नेक्स्ट है जी, डैश टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज होता है, ये टैग जो है ये सिंगुलर टैग है, ये एज इट इज जहां पे भी हमने लगाना हो वहां पे ये एक लाइन की स्पेस दे देता है। लास्ट इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स है, डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद IMG टैग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इफ इमेज कुड नॉट लोड इन ब्राउजर, यहाँ आएगा alt एट्रीब्यूट, ALT alt एट्रीब्यूट। 5.3 क्वेश्चन नंबर, गिव शॉर्ट आंसर, इसके जो है वो 5 क्वेश्चन है शॉर्ट,
इसको हम बहुत डिटेल से आपको समझाएंगे, आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपको तमाम जो है उसके बाद हम ये वाला भी सॉल्व करेंगे, इसकी आउटपुट दिखाएंगे और फिर इसकी जो है वो HTML कोड दिखाएंगे। इसलिए जो है आपने वीडियो मिस नहीं करनी, पूरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। अब यहाँ देखें 5.3 का पहला है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ये डिफरेंशिएशन है तो इसलिए हम इसको टू जो है डिवाइड कर लेंगे कॉलम्स में। यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का आ जाएगा, ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आएगा, इन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इज नॉट मैटर, इन अदर वर्ड्स शफलिंग ऑफ द आइटम्स इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज नो इफेक्ट। ठीक है जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट में शफलिंग ऑफ आइटम भी हम कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके एग्जांपल की हेडिंग देके आप क्या लिखेंगे, मेन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। अब इसमें देखें अगर हम इस्लामाबाद पहले लिख दें, लाहौर बाद में लिख दें तो इसकी तरतीब कोई नहीं है, हम किसी भी तरतीब में इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख सकते हैं। जबकि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें बाकायदा एक तरतीब होती है, उसको क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन ऑर्डर्ड लिस्ट कीप्स ईच आइटम इन लिस्ट इन करेक्ट ऑर्डर, इफ यू चेंज द ऑर्डर मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट इज ऑल्सो चेंज। यानी अगर आप इस तरह की लिस्ट में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है लिस्ट का। इसके एग्जाम्पल क्या देंगे, टीचर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स। यानी अगर अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है वो लिस्ट तरतीब दी जाए तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा नंबर लेने वाला बच्चा ऊपर आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम। तो ये हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में 1, 2, 3, 4 उनको नंबरिंग दे दी। लेकिन अगर हम इसकी तरतीब चेंज कर देते हैं तो फिर जाहिर है इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। अभी तो हमने इसको जो है वो मार्क्स के लिहाज से तरतीब दिया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसी तरह से लिखे लिखे इसकी शफलिंग कर देंगे तो ये बच्चा हो सकता है ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। इसलिए ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर होना जरूरी है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर का होना जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता। तो ये आप उसकी ये डेफिनेशन दोनों की दे देंगे और ये उसकी दोनों की एग्जाम्पल दे देंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन का, डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। इसका आंसर क्या आएगा, इसमें बच्चे बहुत अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 104 के ऊपर है, दिस ये वाला पोर्शन, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। इसमें आप फॉन्ट टैग के बारे में बताएंगे, फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। यू कैन यूज कलर एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ टेक्स्ट, और उसका जो है साइज के लिए आप साइज का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और उसकी जो उसके स्टाइल के लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉन्ट के फेस का जो एट्रीब्यूट है, फॉन्ट का फेस एट्रीब्यूट वो यूज करेंगे। ये उसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कि कलर के लिए आप फॉन्ट के टैग में कलर इज इक्वल टू रेड डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट के में हम जो है साइज यूज किया हुआ है, कलर ब्लू यूज किया हुआ है, और यहाँ पे हमने फॉन्ट के साथ फेस का एट्रीब्यूट यूज किया है। तो ये जो है वो तीनों एग्जाम्पल्स हो गई, आप ये तीनों इकट्ठे एक ही फॉन्ट के टैग में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर। राइट, ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, हाइपरलिंक को पहले डिफाइन करेंगे और एक ही उसकी एग्जांपल दे देंगे। ये आपकी बुक में जो है 5.5 टॉपिक है, यूनिट 5 के अंदर, डिफाइन अ हाइपरलिंक और ये उसकी एग्जांपल, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एंकर को डिफाइन कर देंगे और उसकी ये वाली एग्जाम्पल दे देंगे। इतना एनफ है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के लिए, और ये आपका क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस आपने करना है तो आप लाइन लगा के 2 पार्ट्स में, 2 कॉलम्स में करके कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5.3 का 4th पार्ट है, राइट क्रिएट द टेबल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। उसमें एक रोज पेन है और दूसरा कॉलम्स पेन है। तो पहले हम रोज पेन को देखते हैं, ये टेबल का टैग हमने स्टार्ट किया, ये एंड किया, उसके अंदर टी आर है, टी एच के अंदर हम रोज पेन करते हैं। ये बेसिकली टी एच का टैग जो है वो हेडिंग के लिए होता है, तो हमने क्या किया, रोज पेन 2 कर दी, राइट, और उसमें हमने लिख दिया ये टेलीफोन, ठीक हो गया। और ये टी डी उसके अंदर हमने एक टैग ये लिखा, और ये टी आर हमारी जो है वो क्लोज हो गई। दूसरी टी आर में
हमने क्या किया, अब इसमें चूंकि ये टेलीफोन वाली जो लाइन थी इसको हमने 2 रोज, ये 2 रोज है लेकिन यहाँ पे हमने इसको स्पैन कर दिया, तो ये जहाँ पे हमने था टेलीफोन की हेडिंग वहां हमने रोज रोज स्पैन कर दिया 2, और यहाँ पे हमने नहीं किया, ये यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, और ये जो दूसरा नंबर है ये दूसरी रो का कॉलम है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रोज स्पैन हो गई और ये जो है वो सेपरेट रोज ही रही। इसी तरह से कॉलम स्पैन करने के लिए हमें क्या करेंगे, ये कॉलम और ये कॉलम अगर हम मर्ज कर देंगे तो ये कॉलम स्पैन हो जाएगा। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखें, ये टी आर, उसके अंदर टी एच नेम आ गया, और यहाँ टी एच जो टेलीफोन की ये और ये हमने कॉलम, ये जो कॉलम यहाँ आपको नजर आ रहे हैं इसको हमने ऊपर मर्ज करके जो है वो कॉल स्पैन कर दिया, ये 2 आ गया और वहां पे टेलीफोन आ गया, और फिर इस तरह से रो क्लोज हो गई। फिर ये नीचे वाली रो जो है उसमें 3 कॉलम, एक ये अली अहमद लिखा हुआ है, एक में दिस नंबर और एक में ये नंबर, तो ये 3 कॉलम जिसमें आ गए। ऊपर वाली जो है रो उसमें हमने 2 कॉलम्स को कॉल स्पैन करके मर्ज कर दिया। तो इस तरह से जो है आपका ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट HTML पेज। HTML पेज बनाने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका आंसर आपको आपके बुक में मिलेगा सेक्शन 5.1.2 के ऊपर, और ये पेज नंबर 101 पे जो है ये आपका आंसर मौजूद है। 4 स्टेप्स दिए गए हैं, 7 डायग्राम्स बनाई हुई हैं, तो ये आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है बुक के अंदर, ये उन्होंने कोडिंग दे दी है और कहा इसके आउटपुट बताएं। तो ये जो आप इसके ये LI के अंदर देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, ये उसकी फिर डेफिनेशन लिस्ट में क्रिकेट, और फिर उसकी जो है डेटा टर्म क्रिकेट है, और डेटा डेफिनेशन जो है वो ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स ये लिखा हुआ है। तो इसकी आउटपुट जो है वो ये आ जाएगी, पहले स्पोर्ट्स की हेडिंग होगी, उसके बाद जो स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट बैडमिंटन और चेस, फिर उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह से ये दूसरा लिस्ट आइटम है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसके अंदर ये नेस्टेड लिस्ट लगी हुई है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो ये उसका जो दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट का दूसरा पार्ट है, ये देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सिटीज ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो ये सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ये लाहौर, ये उसके अंदर जो दूसरी लिस्ट लगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये लाहौर, ये उसकी डेटा टर्म, ये कराची, फिर दिस वन, तो ये इसकी आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, राइट HTML टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। ये अब उन्होंने आउटपुट हमें दे दिए और हमें कहा है कि इसका HTML कोड लिखें, राइट। तो HTML कोड हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारा एज इट इज, यहाँ प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन से लेके और यहाँ तक एज इट इज हमारी जो है वो आउटपुट आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगी ताकि आपकी जो है तमाम कन्फ्यूजन दूर हो। अब ये HTML यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हेड का टैग, ये बॉडी, और ये प्लेन इंटरेस्ट हमने हेडिंग 1 दे दी, ये उसका जो है वो पैराग्राफ लिखा प्लेन इंटरेस्ट के में जो अंदर था, और ये ऑर्डर लिस्ट हमने लगा दी, ये स्टार्ट और उसके ये आइटम दे दिए, राइट। उसके बाद जो है ये सेकंड उसका पोर्शन आ गया एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, और ये हमने ऑर्डर लिस्ट लगा के और ये उसके जो है वो लिस्ट आइटम लिख दिए, ये बॉडी क्लोज हुई और ये HTML क्लोज हो गया। इसके अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जो कि नोट पैड में लिखेंगे और हम इसको ब्राउजर के अंदर रन करके देखेंगे क्या वाकई वो आउटपुट हमारे पास आती है या नहीं। व्यूअर्स, ये हमारा नोट पैड आ गया और या ये HTML स्टार्ट हुआ, ये वही कोडिंग एज इट इज लिखी है जो अभी मैंने आपको स्लाइड पे दिखाई थी, ठीक है जी। यानी जो उसने हमें आउटपुट दी है उसके मुताबिक, राइट, ये मैं आपको आपकी बुक से दिखाती हूँ, ये उसने हमें आउटपुट दी थी और इसने कहा था कि एज इट इज जो है इसकी HTML कोड लिख के दिखाए। तो उसके लिए जो है वो हमने ये टाइप किया नोट पैड के अंदर, उसको हमने सेव किया a.html के नाम से, ठीक है, और ये HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम अगर इसको रन करेंगे ब्राउजर के अंदर तो वो कैसी इसकी आउटपुट नजर आएगी वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये हम डेस्कटॉप पे आ गए, यहाँ ये मैंने ए वाली फाइल जो है नोट पैड की HTML से सेव की हुई है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगी तो ये हमारी एज इट इज वही की वही जो है वो आउटपुट आ गई जो उसने हमें बुक में दिखाई थी। मैं आपको एक नज़र जो है बुक से अगेन दिखा देती, राइट। तो यही आउटपुट एज इट इज जो है वो हमारी यहाँ पे शो हो गई। अगर पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपके पास कोई सजेशन है या आपकी कोई क्यूरी है किसी भी कंप्यूटर के टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, हम आपको वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।